हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज एक फिर से हम नया केस करेंगे। केस एक मेल पेशेंट, एक केस है अराउंड, उसका एज होगा अराउंड 60 का उसका एज है। एंड वो कारपेंटर का काम करता है, किसी के अंडर करता है, मतलब कोई उसका सेठ है उसके अंडर वो काम करता है। तो उसके बेस पे उसको पूरा दिन, मतलब सुबह 9 बजे से लेके 8 या 8:60 बजे से लेके रात के 8 बजे तक वो अभी भी वर्किंग में है। 60 साल के अराउंड उनका एज हो गया है। तो पहले मैंने ये केस उनको अपने डैड के क्लिनिक पे लिया था। उनको पामर सोरियासिस था एंड वो होम्योपैथी मेडिसिन से ही ठीक हो गया था। एंड दैट टाइम मैंने उनको कार्सिनोसिन दिया था एंड उसके बाद वो क्योर हो गए थे। इस टाइम अचानक से मुझे एक दोपहर में कॉल आया उनका कि डॉक्टर साहब आप कब आ रहे हो ये वाले क्लिनिक पे। तो मैंने बोला क्या हो गया। बोले मेरा बहुत दिनों से, मतलब एक पिछले 2 महीने से मेरा सर सुबह से लेके शाम तक दुखता रहता है। तो मैंने बोला कि फिर क्या किया फिर 2 महीने से। कुछ नहीं किया। बोले जब वही मेडिकल से कोई एक दर्द की गोली लेके खा रहा था, मगर ऐसा हो गया कि अब पिछले 15 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो मैंने बोला कहाँ हो आप। बोले मैं तो वहीं अपने, मतलब काम पे हूँ, रात को 9 बज जाएंगे आते आते। तो मैंने बोला फिर कैसे मैनेज कर रहे हो। मैनेज मतलब कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, करना पड़ेगा, आप तो सब मेरी जानते हो, आपको पता है कि क्या हो गया है। घर में अभी कमाने वाला एक बड़ा लड़के की शादी जब से कर दिया हूँ, जब से वो अपना वाइफ के साथ घर में कुछ पैसे देता नहीं, दोनों जन कमाते हैं और 1 रुपया देते नहीं है, ना राशन का ना घर का कुछ भी। और एक लड़की है उसकी शादी करनी है और एक बेटा भी पढ़ रहा है, वो अभी 10th में है। तो अब वो कुछ देता नहीं है तो मुझे करना पड़ता है, क्या करूँ। लड़की है, शादी करनी है, बच्चा छोटा पढ़ाना है उसको, मतलब 10-15 साल का है अभी, वो 10th है उसका, वो भी देखना है मेरे को। तो मैं नहीं बैठ सकता डॉक्टर साहब, मतलब बैठ जा, मतलब कैसे करूँगा मैं। हिम्मत ऐसा है कि मुझसे काम नहीं होता, पहले जैसा काम नहीं होता है, मगर अब वो कुछ देगा नहीं तो फिर मैं कैसे चलाऊँगा घर, ना घर नहीं चला सकता मैं काम बैठ जाऊँगा तो फिर मैं मतलब क्या खाऊंगा, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, खाऊंगा क्या, फिर कैसे चलेगा मेरा घर, मैं कैसे चलाऊंगा। तो इसके हिसाब से मैं मतलब रोज़ काम आना पड़ता है, अभी खुद का तो काम है नहीं, सेठ के अंडर करना पड़ रहा है मुझे, किसी के दूसरे के, तो मुझे उसकी नौकरी करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से काम पे तो मैं आ रहा हूँ, जब दर्द हो रहा है तो मैं दवा खा ले रहा था, अब तो पहले से ज़्यादा दर्द बढ़ गया है। तो मैं बोला कैसा दर्द है। मतलब बहुत दर्द है। बोले इतना दर्द है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे सर पे ऐसा मार रहा है, ज़ोर ज़ोर से मार रहा है, इतना दर्द होता है, इतना ठन 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 दर्द होता है, ऐसा लग रहा है कोई सर के ऊपर मार रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, और कुछ। बोले बस यही चल रहा है। तो पहले आपने BP की दवा मेरी छुड़वा दी थी, तो मुझे लगा कि BP तब ठीक हो गया था। अब BP की दवा तो मैंने जब से बोले 3-4 साल हो गया, मैंने BP की दवा बंद कर दी है, तो मुझे लगा शायद BP बढ़ गया होगा। तो मैंने चेक करा लिया तो वहाँ भी कुछ निकला नहीं, BP नॉर्मल है। आपके भाई साहब से करवाया था, छोटे भाई से, तो वो BP एकदम नॉर्मल है। तो फिर मैंने आपको कॉल किया कि मतलब सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ये दर्द क्यों हो रहा है, और इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि ऐसा लग रहा है कोई मार रहा है। और फिर मैंने बोला फिर आराम आराम छुट्टी ले लो। तो छुट्टी कैसे ले लो डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं छुट्टी कैसे ले लो। अगर मैं एक दिन भी घर बैठ जाऊँगा तो सेठ पगार काट लेगा तो घर नहीं चल पाएगा, घर में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे काम तो काम पर आना ही है, और बस आप मतलब दवा दो कि मतलब ये सर दर्द ठीक हो जाए इसी तरीके से। सो, मैंने बोला ठीक है चलो दवा देता हूँ, शाम को लड़की को भेज देना, वो लेके जाएगी, शाम को ले लेना। तो मैंने उसे दवा दिया 15 दिन का, और
पास डोज दिया सेम वाटर में ही, 10-10 मिनट्स के गैप में। और मेडिसिन देने के बाद जो हेडेक रोज़ होता था ना आफ्टर द डोज ऑफ 200 पोटेंसी 5 डोज इन वाटर, उसके बाद उसको दर्द का जो इंटेंसिटी था 15 दिन में 102 बार हुआ था, वो भी बहुत माइल्ड पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, 15 दिन का और दवा देने के बाद कोई अटैक्स नहीं आया था, 6 महीने हो गए, उसका दर्द एकदम ठीक हो गया। ठीक है, सिंपल है केस, मगर आपको समझना है कि केस में क्या है। तो ये केस में क्या है, आप देखोगे कि इतना दर्द में भी 60 साल की उम्र में उसको काम करना पड़ रहा है। क्यों? ये यहाँ से आपको मेडिसिन समझ में आएगी। 60 साल की उम्र है उसकी, आराम करने की उम्र है, किसी के अंडर खुद का भी बिजनेस नहीं कि आराम से चलो बैठा है। कारपेंटर का काम है, उसे कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है उसके सेट को वो टाइम टू डिलीवर करना होता है, और वो दिन रात सुबह से लेकर रात तक लगा पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका जो लड़का है बड़ा वाला, शादी के बाद से वो दोनों कमाते हैं मगर घर में एक पैसा देते नहीं हैं खर्चे के लिए। तो फादर जो होते हैं, पिता जो होते हैं, किस पे डिपेंडेंट? बड़े बेटे पे, कि कमाएगा और देगा तो उसका आगे की लाइफ थोड़ा सा ईज हो जाएगी, थोड़ा सहारा मिलेगा। पर यहाँ क्या हुआ, सहारा छीन लिया, ठीक है, एक पैसा देता नहीं, उल्टा उनके ही घर में रह के उनका ही राशन वो खा रहे हैं। ठीक है, जबकि कमा दोनों रन रहे हैं तो उसकी भी वो लेके चला रहा है। ठीक है, और घर में लड़की है, उसकी शादी है, छोटा बच्चा मतलब 15 साल का है, 10वीं है, उसका खर्चा है। तो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सबका जो बोझ है ना, उसको बोझ, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसको नहीं करना है, उसको होता नहीं है एक्चुअली। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जो लेता है और करता है। यहाँ क्या करा कि जब बेटे ने साथ छोड़ दिया तो उसको वो लेना पड़ा। ठीक है, वो लेना पड़ा और लेके वो पुल कर रहा है, जबकि उससे हो नहीं रहा है, वो पुअर बोला ना कि मुझसे हो नहीं रहा है, मगर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जो बर्डन है ना, जो परिवार की जिम्मेदारी, जो बर्डन हो गया ना कि इसका भी देखो, बच्चे का देखो, सबका देखो, इस एज में आके वो जो ज़बरदस्ती उसके सर पे है ना, उसको वो निपटाना चाहता है और उसके लिए वो कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा आप थोड़ा सोचोगे तो ये जो रूब्रिक है ना, ये रूब्रिक मैं लगाता हूँ, एक बोझ होता है। लड़की की शादी उसके लिए एक बोझ है, बोलता है कैसे मैं इसका शादी निपटा दूँ, मेरे सर से वो बोझ हल्का हो जाए। ठीक है, बार बार वो मुझे बोलता है, अभी उसकी लड़की की शादी फिक्स हुई है, वो बार बार बोलता था कि बस डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं, एक लड़की है, बस इसका कर दो, बस मेरा सर का बोझ हल्का हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू हिज ओन हेड, एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन हेड हैवी सीम टू हिज ओन हेड। उसको लगता है उसके सर पे एक बहुत बड़ा सा बोझ रखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया है, ये रूब्रिक्स पेशेंट बोलते हैं मेरे सर पे 50 किलो का वजन रखा है। ठीक है, मेरे पे 10 किलो का बोरा किसी ने ऐसा रख दिया है, ऐसा रखता है, इतना बोझ है, डिल्यूजन है, जबकि बोरा दिखता नहीं, वजन दिखता नहीं, मगर उसको ऐसा एक बताने का एक डिल्यूजन है कि वो इस तरीके से उसका सर भारी है। यहाँ क्या है, यहाँ वो बिकॉज ऑफ वो लड़के ने छोड़ दिया है तो वो चीज़ों का जो बर्डन है, जो बोझ है, इसके सर पे वापस से आ गया, जबकि उसको रिलैक्स का टाइम था, ईज का टाइम था, वो उसे मिला नहीं, और वो जबरदस्ती पुल ऑन कर रहा है, उससे हो नहीं रहा है, पुअर है डिल्यूजन, पुअर, मुझसे होता नहीं है डिल्यूजन, पुअर, मगर करता हूँ डिल्यूजन, वो सब ले रहा हूँ। तो ये क्या है, डिल्यूजन हेड हैवी सेम टू हिज ओन हेड, लड़की का, बच्चे का, उसके बड़े लड़के, उसकी पत्नी का भी खर्चा है, कारपेंटर सुबह से लेके 60 साल की उम्र में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर नहीं करूँगा तो फिर कहाँ से लाएगा पैसा, खाएंगे क्या परिवार वाले? ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या है, फियर ऑफ सफरिंग, सफ़र करना पड़ेगा, उसकी फैमिली सफ़र हो जाएगी। ठीक है, उसका परिवार सफ़र हो जाएगा, खाने के वांदे हो जाएंगे, दिस इज़ फियर ऑफ पावर्टी। ठीक है, फियर ऑफ पावर्टी, और बोल रहा है सर पे जो बहुत मार रहा है डिल्यूजन। इसके दो रूब्रिक्स आप ले सकते हैं, एक तो इंजरी हो रही है, कंटिन्यूसली इंजर्ड, बीन इंजर्ड, समथिंग इज इंजर्ड, मतलब वो हेड पे कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा है कोई मार रहा है, इतना दर्द हो रहा है, तो डिल्यूजन इंजर्ड, बीन इंजर्ड। एंड मैं बहुत ऐसे पेशेंट जो बार बार बोलते हैं ना कि कोई ऐसा लगता है डॉक्टर साहब हथौड़े से मार रहा है, कोई ऐसा लगता है सर पे मार रहा है, तो एक रूब्रिक है डिल्यूजन ही इज बिटन, डिल्यूजन ही इज़ बीन बिटन, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में बीन है ना, उसको लगता है कि कोई उस पर सर पे मार रहा है,
तो इंजर्ड बीन भी है और डिल्यूजन ही इज बिटन। तो ये रूब्रिक्स मैंने इस केस में लगाया था। मैंने उसे ब्राइनिया 200 का डोज दिया था, पास डोज, एंड ब्राइनिया देने के बाद वो जो बर्डन था ना सर के ऊपर वो रिलीज हो गया। बर्डन तो वही है मगर जो उसने उसके दिमाग ने जो होल्ड करके रखा था ना, ब्राइनिया ने उसको रिलीज कर दिया एंड उसका हेडेक बेटर हो गया। सो डिल्यूजन हैड हैवी सीम टू हिज ओल्ड हेड ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जवाबदारी होती है। उसको लगता है कि कोई नहीं है तो मैं एक जिम्मेदार पर्सन हूँ, मुझे मगर एक जिम्मेदार पर्सन हूँ और मुझे इसको पुल ऑन करना है और मुझे खुद से लेना है। जबकि इस एज में आने के बाद उसने अपने अपने जीवन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की थी अब तक, मगर अब एक स्टेज पर आके उसे क्या चाहिए, उसको रेस्ट डिज़ायर की इच्छा थी ब्रानिया में, रेस्ट, मगर रेस्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बड़े लड़के ने हाथ खींच लिया, तो पूरा का पूरा जो एक रेस्ट का पोजीशन आने वाला था वो ना आके एक बर्डन आ गया फिर से। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभा रहा था इतने सालों से, अब क्या हो गया उसके लिए, वो एक बोझ हो गया, अब उसको खींचना है बस। तो ये होता है डिल्यूजन, हेड हैवी सेम टू हिज ओन हेड, जबरदस्ती का बोझ, ठीक है, जबरदस्ती का बर्डन, ठीक है, उसके सर पे एक बर्डन का काम करता है, वो होता है डिल्यूजन हेड हैवी सेम टू हिज ओन हेड। सो दिस इज द केस ऑफ ब्राइनिया 200, ठीक है, इसको देने के बाद वो ठीक हो गया। होपफुली आप इस केस बहुत ईजिली मैंने सिंपल वे में समझाया आपको, सिंपल रूब्रिक्स के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा। कुछ रहा तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।